बसमरकम रहीम अकम्म क्लास सेवन सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर टू ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स आज हमने करने हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जी फोर्थ फला है जी डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इंसानी दिल की हमने साफ यानी स्ट्रक्चर बयान करना है पेज नंबर फिफ्टीन और ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये पैराग्राफ जरिए मेंशन कर देती हूँ मैं दिस इज हार्ट दिल आर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फेस्ट हमारा दिल एक मसल से बना हुआ वजू है जो कि या ऑर्गन है जो कि हमारी मुट्ठी के बराबर होता है द हार्ट इज फाउंड इन आर चेस्ट ये सीने में वाक्य होता है इट पम्प ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू दी लंग्स ये क्या करता है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को जो डी ऑक्सीनेट ब्लड कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको लंग्स की तरफ भेजता है एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड और जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड होता है जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं टू डी बॉडी यानी डी ऑक्सीडेटेड ब्लड को ये लंग्स की तरफ भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ भेजता है देयर आर फोर चैम्बर्स ऑफ आवर हार्ट हमारे दिल के चार खाने हैं टू तो अपर चैम्बर्स जो हैं वो एट्रिया और दो नीचे वाले जो हैं वेंट्रिकल मैं भी डायग्राम्स पे आपको अंडरस्टैंड इसकी देती हूँ तो अंडरस्टैंडिंग वेंटिकल्स ऑफ आर हार्ट आर लार्जर दैन दी एट्रिया जो वेंटिकल्स हैं वो एट्रिया के निष्पत भरे होते हैं बोट बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट दी सेम टाइम एंड सो द वेंटिकल एट्रिया भी एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंटिकल भी पहले एट्रिया करते हैं खून वेंटिकल्स में आता है फिर वेंटिकल करते हैं और खून आगे जाता है द ब्लड पासिस फ्रॉम द एट्रिया इन टू वेंटिकल जब एक्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो खून वेंटिकल में जाता है देयर इज अ वॉल्व बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंटिकल अब एट्रियम और वेंटिकल में वॉल्व होता है दोनों तरफ वो क्या करता है uh, the wall the, कोई भी वॉल्व है उसका काम है ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन के जो ब्लड है आगे चला गया तो वापस ना जाए इसका ये काम है डीऑक्सीडेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट right एट्रियम में आता है और ऑक्सीनेटिड ब्लड जो है वो लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है ये हमने पीछे एमसी क्यूज में भी किया था डी ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो राइट right एट्रियम में आता है जो पूरी बॉडी से रिसीव करता है ब्लड और जो लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है लेफ्ट में ऑक्सीनेटेड और राइट right में डीऑक्सीनेटेड द राइट वेंट्रिकल पुशेज द ब्लड टू लंग्स अब जी राइट right वेंट्रिकल है अभी देखिए राइट वेंट्रिकल में एट्रियम में डी ब्लड था तो राइट वेंट्रिकल उसको लंग की तरफ भेजेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड था क्योंकि वो राइट लेफ्ट एट्रियम से आया था तो वो पूरी बॉडी की तरफ इसको भेजता है ये हमारा ऑर्गन था इसमें हमने डायग्राम करनी है नीचे क्लियर नहीं है मैं आपको यहाँ से इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाती हूँ ये देखें अच्छा जी ऊपर वाले जो दो थे ये एट्रियम थे नीचे वाले जो दो हैं वो हैं वेंट्रिकल और हमने ये भी पढ़ा था कि जो एट्रियम जो क्या कहते हैं उसको क्या हमें बात करने लगी थी जो वेंट्रिकल हैं वो भरे होते हैं मतलब लार्ज होते हैं एट्रिया के निस्ट ये दोनों छोटे हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल अब ये लेफ्ट साइड है ये राइट right साइड है जो राइट right साइड है ये डीऑक्सीनेटिड ब्लड लेती है कहाँ से पूरी बॉडी से अब पूरी बॉडी से डी ब्लड आ, आता है राइट एट्रियम में राइट एट्रियम से राइट वेंटिकल में अब राइट वेंटिकल उसको कहां भेज देता है लंग्स में ठीक है अब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां पे आता है ये देखें ये आता है यहां पे ठीक है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आया राइट एट्रियम ने उसे राइट वेंटिकल में फिर उसको लंग्स के पास भेजा क्योंकि लंग्स ने लंग्स में से उसने ऑक्सीजन लेनी है जब लंग्स में से उसने ऑक्सीजन ले ली तो वो फिर कहाँ आया लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम ने फिर उसको लेफ्ट वेंटिकल में भेजा और लेफ्ट वेंटिकल उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करता है ये है हार्ट की डायग्राम और इसका प्रोसेस ये आपने साथ में ऐड करना है और दरमियान में एट्रियम और वेंटिकल के दरमियान और एट्रियम और वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट दोनों में ये दरमियान में वॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं एक दफ़ा ब्लड चला गया तो वापस नहीं जा सकते ये है जी हार्ट का ये डायग्राम भी इंक्लूडेड है और ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताई ये भी आपने करनी है ये जी हमारा फर्स्ट प्रस्थ क्वेश्चन जो था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की कंप्लीट हो गया